हरकतों से बाज नहीं आ रहे सांप्रदायिकता फैलाने वाले। देश कोरोना जैसे भयानक वायरस से जूझ रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व समाज में जहर घोलने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही मुस्लिम विरोधी खद्दरदारी, गुंडे और कुछ मीडिया कानूनी बंदिशों से आज़ादी कर दी गई। इसी का नतीजा है कि कुछ आतंकी सोशल मीडिया पर हथियारों से लैस होकर 2 घंटे में मुसलमानों का सफाया कर देने की आतंकी धमकियां दे रहे हैं, तो कुछ खद्दरधारी खुली धमकियां दे रहे हैं। अगर बात करें पालतू मीडिया की, तो मीडिया खुलेआम झूठ परोस कर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में लगी है। गुजरी 6 अप्रैल को बरेली के करमपुर में लॉकडाउन का पालन कराने गए 2 पुलिसकर्मियों पर कुछ लड़कों ने हमला कर दिया। उसके बाद पुलिस ने जमकर तुड़ाई कर दी। इस बीच कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। मौके पर ही और शाम को पुलिस के 3 आला अफसरान ने साफ तौर पर बता दिया कि पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने गई थी। जी की मामला ऐसा शुरू हुआ जब हमारी लॉकडाउन को इन्फोर्स कराने के लिए हमारी चीता मोबाइल जो है इस गांव में आई थी। गांव में आने के बाद में लोगों को सख्ती से कह रही थी कि भैया पर अपने घर जाए, कोई लॉकडाउन का उल्लंघन न करे। तो 2 पुलिसकर्मियों को देखकर गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस वाले चौकी पर बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन इन्फोर्स कराने के लिए हमारी पुलिस टीमें पूरे जनपद में गतिशील हैं और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे और मोबाइल करके लॉकडाउन को इन्फोर्स कराया जा रहा है। इसी क्रम में हमारी चीता की टीम गांव करमपुर चौधरी गई थी। वहां पे कुछ नए उम्र के लड़के एक जगह पे इकट्ठा थे, इनको समझाया गया, इनको वहाँ से खदेड़ा गया। उसके बाद चीता टीम वापस आ गई। इज्जतनगर थाना अंतर्गत में करमपुर एक गाँव है जहाँ पे लॉकडाउन को इन्फोर्स कराने के लिए पुलिस पार्टी गई थी। हमारी चीता मोबाइल गई थी, चीता मोबाइल के 2 लड़के और एक जगह पे 15-20 लोग इकट्ठे थे। इनको चीता मोबाइल ने बोला कि भाई आप लोग यहाँ पे क्यों हैं। इसके बावजूद भी मुस्लिम विरोधी पालतू मीडिया ने आला अफसरान को झूठा ठहराते हुए मामले को जमातियों से जोड़कर मुसलमानों के खिलाफ खुलकर जहर उगला। देखिए मीडिया की करतूत। मीडिया के घोले जहर का असर ये हुआ कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर खुराफात करने लग गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लखनऊ के तेज बहादुर सिंह फेसबुक आईडी की है। इसने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि तबलीगियों की तलाश कर रही महिला इंस्पेक्टर वंदना सिंह की मौत हो गई। इससे पहले भी कुछ आतंकी दिमाग लोगों ने इस तरह का जहर घोला था, जिसे पुलिस ने सिरे से खारिज करते हुए बताया कि इंस्पेक्टर वंदना सिंह का मामला बरेली का है ही नहीं। इसके बावजूद तेज बहादुर नामक इस शख्स ने भड़काने की कोशिश की। इसी पोस्ट को अमित रघुवंशी ने भी अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया। दरअसल बीजेपी सरकार के चलते ऐसे लोगों पर पुलिस लगाम कस पाने में पूरी तरह नाकाम हो जाती है। ऐसे बेशुमार मामले सामने आ चुके हैं।